हेलो स्टूडेंट्स, तो पहली वीडियो में हमने पढ़े थे एपी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और हमने एक्सरसाइज वन के क्वेश्चन किए थे। तो अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में इसके थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, मतलब हमें ये केपी गिवन है 2, 7, 12 और हमें इस एपी की 10th टर्म निकालनी है, यानी कि स्टार्टिंग की 3 तो हमें गिवन है, ये स्टार्टिंग की 3 हमें गिवन है, हमें इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन में, हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, कुछ भी गिवन हो हमें, तो गिवन में हम लिखेंगे सबसे पहले क्या गिवन है हमें, ए की वैल्यू। ए क्या है अपना, ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। तो एपी में फर्स्ट टर्म कौन सी अपनी, 2, तो ए की क्या वैल्यू हो गई, 2। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, तो 10 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें एन क्या गिवन है, 10। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हमें 10th टर्म निकालनी है, तो एन क्या होगा अपना, 10 होगा। अब क्या निकालेंगे हम, डी, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि 7 और 2 के बीच का डिफरेंस और 12 और 7 के बीच का डिफरेंस। तो बी हम कैसे निकालेंगे, a2 - a1, a2 क्या गिवन है, 7, a1 कितनी है, 2, 7 - 2, 5, तो डी आ गया हमारे पास 5। ठीक है, हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम यहाँ ए सबकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होगी, ए एन क्या होती है अपनी, याद रखना हमेशा, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो हमारी इसमें लास्ट टर्म क्या होगी, 10th टर्म होगी, इस चीज को ध्यान से समझना, हमारी यहाँ पे लास्ट टर्म होगी 10, एन हमने 10 लिया, हमें 10th टर्म निकालनी है, तो हमें इसको लास्ट टर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यही हमें नोन है, यही हमें पता है। तो 10 एन हो गया अपना, ठीक है, तो ए एन कितना होगा, यानी कि लास्ट टर्म कितनी होगी, हम किसी को भी जैसे कि ए वन लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह से हम 10th टर्म को क्या लिखेंगे, तो ए 10 होगा। ठीक है, ए 10 निकालना है हमें, 10th टर्म निकालनी है, ए 10 निकालना है। अब ए क्या है, 2 प्लस एन, एन कितना है, 10 माइनस 1, हमने डी निकाला था यहाँ पे 8 - 7 करके, डी कितना है, 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे बॉर्ड मास के थ्रू। ठीक है, तो बॉर्ड मास अगर बी, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 9 × 5, अब मल्टीप्लीकेशन, नाइन फाइव जा 45, 45 + 2, 8 × 10 कितनी आ गई अपनी, 47। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, इसे सॉल्व करेंगे। तो इधर हमें क्या निकालना है, 18th टर्म ऑफ एपी, एपी गिवन है हमें। अब जनरली बच्चे रूट्स वाले क्वेश्चन से बचते हैं, घबराते हैं उनसे कि रूट आ गया इसमें, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, हमें दिया हुआ है कि ये एपी है, इसके पास 18th टर्म निकालनी है। अब 18th टर्म निकालनी है तो एन क्या हो गया अपना, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, गिवन में लिखना है एन कितना हो गया, 18। ठीक है, सबसे पहले एन पता चल गया हमें, ठीक है 18 हो गया। अब ए क्या होगा,
ए क्या हुआ रूट टू, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो क्या हुआ रूट टू। ठीक है, अब हमें निकालना है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस, तो डी क्या होगा ए टू माइनस ए वन, या हम ये भी कर सकते हैं ए थ्री माइनस ए टू, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन कितना आएगा थ्री रूट टू माइनस रूट टू, अब इधर कुछ नहीं है यानी कि यहाँ इधर वन है। ठीक है, तो थ्री रूट टू में से वन रूट टू माइनस वन कितना हो जाएगा टू रूट टू, थ्री माइनस ए टू भी निकाल के देख लेते हैं एक बार समझने के लिए, ये बताने के लिए कि डी आप कैसे भी निकालो किसी भी टर्म से निकालो आगे पीछे वाली से सेम ही आएगा। फाइव रूट टू माइनस थ्री रूट टू, फाइव माइनस थ्री कितना होता है टू और रूट टू। अब एक चीज समझा दूं रूट वाले क्वेश्चन के लिए, अगर मान लो हमें यह दिया हुआ होता, ध्यान देना इधर फाइव रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री, इधर रूट टू है तो ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये वाले नंबर्स भी बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, है ना, किसी सेम टेबल में नहीं आते, और ये रूट वाले नंबर भी बिल्कुल डिफरेंट है, रूट में जो नंबर है वो दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमारा यही रह जाता अगर डी निकालना होता, तो पहले पहली बात तो ये कोई एट बनती नहीं, पर अगर होता भी तब भी नहीं हो सकता हमारा, तो डी आ गया अपना टू रूट टू। अब इसको नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रही हूं। सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं जो भी मैं करा रही हूं, ये सब अपन फेयर कॉपी में, फिर मैं आपकी बाद में चेक करूंगी। ठीक है, हमने डी निकाल लिया, एन आ गया, ए आ गया, डी आ गया, अब एन निकालेंगे, वैल्यूज पुट करो, ए एन, ए एन की जगह पे क्या होगा एटीन, टर्म निकालिए तो ए एटीन, ए की वैल्यू रूट टू प्लस एन कितना है अपना एटीन माइनस वन इधर, और डी कितना आया था टू रूट टू। बॉड मास का रूल फॉलो करके हम इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करो सबसे पहले, एटीन माइनस वन कितना होगा सेवनटीन, टू रूट टू। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सेवनटीन टू सा थर्टी फोर रूट टू। ठीक है, अब इधर क्या है वन रूट टू प्लस थर्टी फाइव रूट टू कितना आएगा, सॉरी वन रूट टू प्लस थर्टी फोर रूट टू तो कितना आ जाएगा थर्टी फाइव अंडर रूट टू, हमारी आ गई ए एटीन की वैल्यू। ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्वेंटी फोर टर्म ऑफ एपी नाइन थर्टीन सेवनटीन और ट्वेंटी वन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अब समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास n क्या लेना है, हमें a क्या लेना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, ये अलग क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब ये है सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है एपी की मैंने और ऐसा पूछा है कि माइनस एट्टी वन इस एपी की कौन सी टर्म है, माइनस एट्टी वन इस एपी की कौन सी टर्म है ये निकालना है हमें। तो अब देखो कि हमें हमेशा इस सीरीज में मिलती है, जैसे कि टू फाइव एट मान लो, यानी कि छोटे से बड़ा नंबर आता था, अब इसमें हमारे को दे रखा है बड़े से छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है। ठीक है, अब इसमें हमें पता करना है कि माइनस एट्टी वन इस एपी की कौन सी टर्म है, यानी कि हमें इसमें एन निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि वाली टर्म कौन से नंबर पे ये निकालना है। ठीक है, अब हम ए क्या लिए मैंने हमें ट्वेंटी वन, ठीक है, और ए एन क्या है, ए एन क्या है हमारा माइनस माइनस एट्टी वन। ठीक है,
एन निकालना है, यानी कि कौन सी टर्म है माइनस 81 इसकी, ए हमें गिवन है 21 फर्स्ट टर्म है, ए एन निकालना है, सॉरी ए वन ए एन गिवन है, गलत बोल दिया मैंने, ए एन गिवन है 80 माइनस 81, ठीक है। अब बी निकाल लेंगे, तो डी क्या होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है 18, ए वन क्या है 21, ए टू ये है ए वन ये है, तो माइनस 21 पहले 18 माइनस 21 तो कितना आएगा अपने पास -3, ठीक है। डी की वैल्यू आ गई -3, समझ में आ गया तक, फिर से बता देती हूँ मैं, ये जो टर्म है हमें बतानी है कौन से नंबर की है, तो यानी कि एन निकालना है, ए गिवन है, ए एन ये हो गई, यानी कि लास्ट टर्म हो गई एक तरह से, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसका अपोजिट है ये वाला क्वेश्चन। डी निकाल लिया, माइनस में आया है डी इस बार, ध्यान रखना। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन क्या है माइनस 81, ए है हमारा 21, एन है हमारा, एन निकालना है और डी दिया हुआ है -3, ब्रैकेट में लिखूंगी कि माइनस की टर्म, ठीक है। अब माइनस 81 इक्वल्स टू 21 प्लस, इधर देखो अभी अंदर मल्टीप्लाई देगा, -3 प्लस 1 यानी कि प्लस का एन है और ये माइनस का 3 है, तो क्या देगा -3 एन, माइनस माइनस प्लस, 3 वन जा 3, ठीक है। -81 इन दोनों सॉल्व करेंगे 24 आ जाएगा, -3 एन। अब इसको इधर ले गए -81 -24, इधर प्लस का ले जाके माइनस का जाएगा इज इक्वल्स टू -3 एन। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, पर साइन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि 81 बड़ा है और 81 का, तो अब माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 105, 4 प्लस 1 5 और 8 प्लस 2 10, ठीक है। अब इधर 3 मल्टीप्लाई में एन के साथ जाके डिवाइड में जाएगा, तो 105 माइनस 105 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 35, यानी कि 18 क्या है माइनस 81 कितना है 35 नंबर पे है इस एपी में। अब इस क्वेश्चन में देखो, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी ये गिवन है हमें, विच टर्म ऑफ एपी 84 80 76 इज जीरो, यानी कि जीरो कौन सी टर्म है इस गिवन एपी की, एपी क्या है 84 80 76। तो सबसे पहले हमें ए क्या गिवन है, ए क्या है हमारा 84, डी हमने निकाल लिया ए टू माइनस ए वन करके, ए टू क्या है 80 और ए वन क्या है 84, तो 80 माइनस 84 कितना होगा -4, ठीक है। तो डी हमारा आगे -4। अब हमें ए एन जीरो है और एन निकालना है, ये कैसे हुआ, हमें जो टर्म है वो जीरो दे रखी है, यानी लास्ट टर्म हम जीरो मानेंगे क्योंकि हमें एन निकालना है, यानी कि जीरो कौन से नंबर पे है ये निकालना है, ठीक है। तो ए एन जीरो हो गया, जीरो दिया हुआ है यहाँ पे, अब एन निकालना है कि जीरो कौन से नंबर पे, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए क्या ए एन क्या है हमारे पास जीरो इज इक्वल्स टू ए क्या है 84 प्लस व्हाट इज एन, एन पता नहीं है निकालना है एन, यानी कि एन ए जीरो निकालना है हमें, -1 इंटू डी कितना था -4, जीरो इज इक्वल्स टू 84 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आएगा -4 एन, माइनस माइनस प्लस, 4 वन जा 4, ठीक है। अब 84 प्लस 4 कितना होगा 88 माइनस 4 एन, अब 88 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 88 हो जाएगा इज इक्वल्स टू -4 एन, माइनस 4 एन
ठीक है, माइनस 88 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू एन, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 8 4 2 8, तो एन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 22, यानी कि इसके नीचे एक लाइन लिखना कि 0 इज द 22 टर्म ऑफ द एपी, मैं लिख देती हूँ 0 इज 22nd टर्म ऑफ, ठीक है। अब मैं इसी तरह के इसी के नेक्स्ट दो पार्ट बताऊंगी, ये वाला हमारा सेकंड पार्ट था, हमने फर्स्ट वाला कर लिया, सेकंड पार्ट था, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ वाले आपको करना है, तो मैं इसको इरेज करके आई बता देती हूँ, लिख के बता देती हूँ। अब इसी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी मैं बता देती हूँ, फिर इसका नेक्स्ट वाला आप कर लेना, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें सपोज करना पड़ेगा, तो देखो इसमें क्या है, इज 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 11 17 23, यानी कि पूछा गया है कि क्या इस एपी में किसी भी नंबर पर 301 आएगा क्या, ये पूछा है इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले गिवन देखो, गिवन हम 5 क्या है हमारी ए या A1, फर्स्ट टर्म हमारा 5। अब हम देखेंगे कि ये क्या एक एपी है या नहीं, सबसे पहले हमें ये चेक, स्टेप वन है हमारा ये पता करना कि क्या ये एक एपी है या नहीं, ठीक है, ये स्टेप वन है। तो कैसे पता करेंगे कि एपी है या नहीं, इनके सब कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस है, यानी कि पास पास वाले टर्म के बीच में डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म में ये है, अब ए टू माइनस ए वन भी 6 आ रहा है, यानी कि 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, और 23 माइनस 17 भी 6 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये एक एपी हो, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब आगे चेंज हो गया तो उससे यह नहीं पता हमें, क्योंकि 301 आ रहा है, ठीक है, हमें पता करना है कि 301 आएगा या नहीं आएगा इसमें। तो हमने क्या किया कि इसको इसकी लास्ट टर्म मान लिया, एंड टर्म मान लिया हमने 301, ठीक है, एन जो होता है ना उसको 301 मान लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे, एन हमने मान लिया है, हमने यहाँ पे सपोज किया है एन 301, तो ए एन की जगह पे मैं लिखूंगी 301। ए है हमारा, ए है 5 प्लस एन कितना है, एन कितना है, एन निकालना है कि मतलब हमें ये निकालना है कि 301 इसमें आता है नहीं, ठीक है। और ये हम पता कैसे करेंगे, अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव सही आती है एकदम, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, अभी पहले आप इतना समझिए, बस एन निकालना है हमें इसमें, आगे समझ में आ जाएगा। बी कितना है 6, ठीक है, अब ये सॉल्व कर लो, 301 इक्वल्स टू 5 प्लस 6 एन माइनस 6, 301 इक्वल्स टू 6 एन माइनस 1, 301 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6n, ठीक है। अब मैं ऊपर का इरेज कर रही हूँ, नोट कर लेना पहले पॉज करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 302 इज इक्वल्स टू 6n, अभी उधर 6 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, 302 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, 151 अपॉन 3, 2 से कैंसिल करके। अब देखो, अब मैं इसे 3 से कैंसिल कैसे करूंगी, 3 से अगर हमने इसको डिवाइड करा, देखो सबसे पहले तो 3 5 13, 5 हो गया, पर अब 1 आ रहा है ना, यानी कि 5.3 आएगा इसका आंसर, तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा एन आ रहा है 5.3, जो कि नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे किसी बच्चे से बोलूँ, कोई असेंबली चल रही है,
हमने बोला जाके थर्ड नंबर पे खड़े हो जाओ, ठीक है। ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 3.5 नंबर पे खड़े हो जाओ या फिर 4.7 नंबर पे खड़े हो जाओ। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, डेसिमल में नहीं आएगा वो और ना ही फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद क्या लिख दोगे, सो इसके बाद क्या लिखना है आपको, सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। समझ में आ गया हो? कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसके जैसे ये क्वेश्चन देने वाली, ठीक है, उसे नोट करना और करके दिखाना अपनी नोटबुक में। तो क्वेश्चन है, इज फोर्थ पार्ट है सेकंड का, इज -150 एनी टर्म ऑफ एपी 11852 सॉरी, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये करके दिखाने हैं तुम्हें। अब ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड का, इफ 6th एंड 17th टर्म ऑफ एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड 40th टर्म, ठीक है। यानी कि हमें 6th टर्म दे रखी है किसी एपी की और 17th टर्म दे रखी है, तो हमें 40th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो मैंने इसको A6 और A17 करके लिख दिया है। देखो क्योंकि हमें इसमें जो 6th टर्म है वो दी हुई है 19 और 17 टर्म दी हुई है 41, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है एपी का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। यही दोनों, यही फॉर्मूला हम इन दोनों इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ, उसको नोट करना। तो क्या है अब इस वाली इक्वेशन के लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 6, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 है, 6 नंबर पे है ये 19, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, A6 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो A6 हमें गिवन है कितनी, 19, तो A6 की जगह हमने 19 लिख दिया। अब A हमें नहीं पता है, प्लस n कितना होगा, 6, इस वाली इक्वेशन के लिए n 6 होगा क्योंकि इसमें 6 नंबर पे है ये, 6 माइनस 1 इंटू डी, फिर 19 इक्वल्स टू a प्लस 5d, या फिर हम इसको भी ये लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल्स टू 19, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरी वाली इक्वेशन में करेंगे, A17 हमें दिया हुआ है 41 के इक्वल, ठीक है। तो हम इसमें भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे होगा, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, 17, क्योंकि ये 17th नंबर की टर्म है, ठीक है। तो A17 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A17 इक्वल टू, a की वैल्यू नहीं पता तो एक बार एज लिख दो, इसमें n 17 है, माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता, तो डी और ए हम एज इट इज लिख देंगे। ए 17 की जगह पे भी हमें यहाँ पे लिखना है 41, आया समझ। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक डी को, इसको सॉल्व करके 16d आ जाएगा। इसको हम कैसे ले सकते हैं, ए प्लस 16d इक्वल्स टू 41 हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब एक लाइन लिखनी है हमें, सब्ट्रैक्टिंग ठीक है। तो पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो पहले लिखेंगे
देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका LHS लिख दो पहले, a प्लस 5D LHS लिख दिया, ठीक है। अब माइनस का साइन लगाओ, लगा दिया। अब सेकंड वाली कौन सी है उसका LHS लिखो, a प्लस 16D इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट वाली का LHS लिखो 19, ठीक है। फिर लिखो अब राइट वाली का LHS, RHS लिख दिया 19, इस वाली का क्या है 41, तुम सॉल्व कर सकते हो अपन। a प्लस 5d प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, a प्लस माइनस माइनस, तो 16d आ गया, ठीक है। इसके बाद 41 माइनस 19 कितना होगा, माइनस 22, ठीक है। माइनस a प्लस a से कैंसिल हो गया, 16 माइनस 5 कितना होगा, माइनस 9d, सॉरी माइनस 11d इक्वल्स टू माइनस 22, तो डी इक्वल्स टू माइनस 22 अपॉन माइनस 11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 टू जा 22, तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास 2, ठीक है। अभी ये जो डी की वैल्यू आई है इसे हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, नोट कर लो इसको, मैं इरेज करूंगी। अब इसके बाद याद रखना है ऊपर, अब हम क्या करेंगे डी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि ए आ जाए, ठीक है। हमने 9th क्लास में भी किया है ऐसे, ए प्लस 5d इज इक्वल टू 90, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ए निकालना है, 5 मल्टीप्लाई बाय डी कितना आया था हमारा 2, 5 2 10, 19 माइनस 10 कितना होगा 9, तो ए की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। ए और डी पता चल गया, अब हमें इसकी 40th टर्म निकालनी है, तो इन सबको नोट कर लो, मैं इरेज कर रही हूँ इसको। ए और डी की वैल्यू पता चल गई, अब हमें क्या निकालना है, ए 40, अब हम निकालेंगे ए 40 यानी कि 40th टर्म, ठीक है। 40th टर्म निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे अब इसे, देखो ए 40 निकालनी है हमें, है ना। तो इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी होगी, 40, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कौन सी है इसमें, 40th वाली है, ठीक है। तो n क्या होगा 40, अब इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a 40 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a 40 की कैसे आ जाएगा, a कितना है, a हमने निकाला था अभी कितना था 9, प्लस 40 माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब इसके बाद 39 40 माइनस 1 39 इंटू 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बॉर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे सारा, 9 प्लस कितना जाएगा, 9 और 9 18, 1 कैरी, 3 और 3 6 1 7, तो कितना आ गया अपना ये 87, यानी कि a 40 कितना आ गया अपने पास 87। इसके नीचे आप लाइन लिखोगे, सो द 40th टर्म इज 87। इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8, देन विच टर्म ऑफ एपी विल बी 0। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म कितनी है -8, ठीक है। हमें थर्ड और 9th टर्म दी हुई है 4 और -8, तो हमें इसमें ये पता करना है कि 0 कौन सी टर्म होगी, ठीक है। अब कैसे करोगे, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा बिल्कुल, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो अलग अलग, इसमें n की वैल्यू 3 लोगे, इसमें n की वैल्यू 9 लोगे, ठीक है, n की वैल्यू, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, फिर तुम्हारा a आ जाएगा, a या d, फिर a और d निकाल के n की वैल्यू 0 रख के an निकालना है, लास्ट में क्या करना है, n की वैल्यू 0 रख के an निकालना है। ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे आप, मैं फिर से समझा देती हूँ, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, पहले a 3 को सॉल्व करना, फिर a 9 को सॉल्व करना, इसको मैं बता देती हूँ इस वाली को, जैसे कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ना, an इज इक्वल्स टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये था। अब इसमें एन की जगह पे क्या लेगा, ए थ्री इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके लिए क्या है हमारा एन थ्री है, एन की जगह पे थ्री है, ए और डी हमें पता नहीं है, ए थ्री क्या है फोर। इसी तरह से ए नाइन इक्वल्स टू माइनस एट वाली इक्वेशन सॉल्व करोगे, फिर इन दोनों सब्ट्रैक्ट करके ए और डी की वैल्यू निकाल के फिर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करोगे। फिर इसमें ए और डी की वैल्यू रख दोगे जो तुमने निकाली है, और ए सॉरी एन जीरो रखोगे, क्योंकि हमारे को पता करना है कि ए एन जीरो कौन सा नंबर है, जीरो पे कौन सा नंबर है। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी 16, ए थ्री हमारे पास है 16 एंड 17th टर्म इज सॉरी 7th टर्म है ये एंड 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म, देन फाइंड द एपी। ठीक है, ए थ्री हमें दिया हुआ है 16। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, पहले एक इक्वेशन बना लेंगे हम। तो कैसे होगा देखो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लास्ट के दो क्वेश्चन में, इस वाली इक्वेशन के लिए हमारे पास एन की वैल्यू कितनी होगी, थ्री, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितनी है, थ्री थ्री होगी अपने लिए अपने पास। ठीक है, ए थ्री है क्योंकि, तो फिर ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन ए सिक्स ए थ्री इज इक्वल्स टू ए, पता नहीं है हमें एन की कितना है थ्री। अब ए थ्री की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16, यहाँ पे 16 लिख दो, ए प्लस टू डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस टू डी इक्वल्स टू 16, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए सेवन जो है वो ए फाइव से 12 नंबर ज्यादा है, यानी कि ए सेवन बड़ी है, ए फाइव छोटी है, ये बड़ी है छोटी है, तो हमें इसे इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसे इक्वल करने के लिए मैं ए फाइव में 12 प्लस कर दूंगी तो ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि ए सेवन में, ए सेवन जो है वो ए फाइव से 12 नंबर बड़ी है, तो अगर मैं इसमें भी 12 प्लस कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। फिर सॉल्व कर सकते हैं हम, अब इसे इसी तरह तुम सॉल्व करोगे, इसका क्या जाएगा, इसके लिए एन क्या है हमारा 7, इसके लिए एन क्या है हमारा 5, इन दोनों इक्वेशंस के लिए। ठीक है, अब इसे किस तरह से ले सकते हैं हम, ए सेवन माइनस ए फाइव इज इक्वल्स टू 12, है ना। अब ए सेवन सॉल्व कर लो कितना होगा, ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 12। इसे सॉल्व कर लेंगे, ए प्लस सिक्स डी माइनस ए प्लस फोर डी इक्वल्स टू 12, ए प्लस सिक्स डी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो फोर डी माइनस का फोर डी हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए से प्लस है कैंसिल, फिर 2d इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, कितना आ गया 6, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू 6 आ गई, अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम पुट, देखो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, d कितना है 6, तो ए प्लस टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 4, ए की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू में पता चल गई, डी की वैल्यू कितनी है 6, इसको नोट कर लो, मैं इरेज करूंगी। ठीक है,
अब हमने पढ़ा था कि ए क्या होता है, हमें इसमें एपी फाइंड करनी है, तो ए वन और ए आर सेम, हम ए वन लिखे या फिर ए लिखे बात एक ही है, तो हमारे पास ए वन क्या आ गया 4, ए टू कैसा आएगा ए वन प्लस बी इक्वल्स टू 4 प्लस 6 10, ए थ्री कैसा आएगा ए टू प्लस बी, ए टू कितना है 10 प्लस बी कितना है 6, कितना आ गया 16, तो हमारी एपी कितनी आ गई 4 10 16, ये हमारी आ गई एपी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अबे ये सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3-डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल है। जैसे कि अब 3-डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होते हैं और खत्म कहाँ पे होते हैं 999 पे, तो इसके बीच में हमारे कितने नंबर 7 से डिविजिबल है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में ही चेक कर लो कि कौन कौन से नंबर 7 से डिविजिबल है, फिर एक एपी फॉर्म कर लेंगे हम इस तरह से 105, 112, 119 और लास्ट में नंबर चेक कर लेंगे, वो है हमारा डिविजिबल 994। मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं ये 7 की टेबल में आते हैं या फिर 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, तो हमने इसे पता कर लिया। इसे इसी तरह से हमारा होगा 994, चेक कर लेंगे अपन लास्ट की जो 10 डिजिट्स है ना उनको चेक करना है डिवाइड करके, या फिर 7 की डिविजिबिलिटी जो होती है उसे चेक करना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो ए हो गया हमारे पास यहाँ पे 105। अब नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि डी कितना है 7 है, ए एन यानी कि लास्ट टर्म भी है अपने पास 994। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी कि एन निकालना है कितने नंबर है इसमें, तो हम ए एन वाला फॉर्म लगा लेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस, ठीक है, ए एन निकाल, ए एन पता है 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन निकालना है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब एन क्या होगा हमारा, टोटल जितने भी 3-डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है वो होंगे। ठीक है, अभी अपना 7th क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, एपी गिवन है और हमें 11th टर्म निकालनी है इस एपी के लास्ट में से। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, हम हमेशा क्या करते थे, जैसे कि मान लो आपको कोई भी एपी दी हुई, जैसे ए वाली एपी ले लेते हैं 10 7 4 -62। ठीक है, इसमें आपको कहा कि 10th टर्म निकालो, इसमें हमें नॉर्मली ये कह दिया 10th टर्म निकालो, तो हम ए 10 करके 10th टर्म निकाल लेंगे एन की वैल्यू 10 लेके। ठीक है, अगर हमें कहा कि लास्ट टर्म निकालो जो 10th नंबर पे है, पीछे से जो 10th नंबर पे वो निकालना है, वैसे ही इस क्वेश्चन में जो पीछे से 11th टर्म है ना वो निकालनी है, ना कि आगे से 11th टर्म, इसलिए लास्ट ऑफ एपी लिखा है यहाँ पे, ये चीज समझ आ रही होगी। अब क्या करेंगे, देखो इस एपी में हमें दिया हुआ है ए कितना है 10, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे ए टू माइनस ए वन करके, तो कितना आ जाएगा ए टू ये रहा ए वन ये रहा, तो 7 - 10 कितना हो जाएगा -3, ए एन की वैल्यू कितनी है -62, लास्ट टर्म होती है ना ए एन, तो -62 ए एन की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे एन की वैल्यू निकालने के लिए, कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूला में, तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी एंड एट द एंड वी गॉट एन, एन की वैल्यू कितनी आई 25, इसको नोट करना है। ठीक है, ये समझ आ जाना चाहिए अब कि हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसलिए इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25, इस पूरी एपी में कितनी टर्म है 20, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 25। अब 25 के पीछे से 11th टर्म कौन सी होगी, यानी कि अगर 25 नंबर दिए हुए हैं हमें 1 2 3 करके, जितने भी नंबर है 25 है टोटल, तो पीछे से
इलेवेंथ टर्म कौन सी होगी? होगी फिफ्टींथ टर्म, यानी कि फिर से बताती हूँ मैं आपको, मान लो 1 to 25 एक बार लिखा हुआ है आपके पास, पूरा नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 से लेकर 25 तक लिखा हुआ है। अब अगर हम टीचर से देखें तो 11th नंबर कौन सा आ रहा है? 15 आ रहा है, यानी कि 15th टर्म आ रही है। अब इसकी 15th टर्म हो जाएगी, मतलब आया समझ में? तो अब इसकी हम ए 15 निकालेंगे, ठीक है, ए 15 निकालेंगे हम। तो कैसे करेंगे इसको? 15th टर्म निकालेंगे, यानी कि ए 15 निकालना है, इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 10 है, प्लस ए 15 निकालनी है हमें, है ना। एन कितना है? 15, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 15 है। 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा? माइनस 3, ठीक है। फिर इसके बाद 10 प्लस 14 आएगा, 15 माइनस 1 14 इंटू माइनस 3, 14 थ्री जा 42 आएगा। अभी हमारी ए 15 क्या आ गई? माइनस का 13। अभी एट क्वेश्चन, इसमें क्या है? फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। ये भी सेम 7th क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। अब एक चीज बता देती हूँ मैं आपको, जब आपको ये क्वेश्चन दिए ना कि लास्ट टर्म ऑफ द एपी में से निकालना, मतलब लास्ट एपी, मतलब एपी के लास्ट में से निकालना है, जब भी दिया है वो ये क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, दो मेथड होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, हमारे पास दो मेथड है। पहला तो हमने कर लिया है पिछले वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या कहा? फाइंड एन, देन फाइंड टी, देन फाइंड द रिक्वायर्ड टर्म। इसका मतलब कि पहले हमने क्या किया था? एन फाइंड किया था, फिर उस एन को फाइंड करके हमने क्या किया, जैसे लास्ट में से वो टर्म चाहिए थी, 25th टर्म चाहिए, 25 टर्म में से हमें 11th टर्म चाहिए थी पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने 25 के पीछे से देख लिया। अब इसमें भी आप पहले, पहला मेथड ये है अपना कि पहले एन फाइंड करो, उसके बाद रिक्वायर्ड टर्म फाइंड करो लास्ट में से, जो हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है। तो ये वाला मेथड आप खुद से करोगे। अब सेकेंड मेथड क्या आएगा अपना? रिवर्सिंग मेथड, रिवर्सिंग एपी। अब एपी को भी हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे? इस तरह से, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना हमें, इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे। ये क्या है? हमारी लास्ट टर्म, हम इसको फर्स्ट टर्म मान लेंगे। तो रिवर्सिंग मेथड मैं करके बता देती हूँ, ये वाला आपको खुद करना है, जो जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है, 7th वाले क्वेश्चन में, ये 8th वाला है। अब मैंने इसको ए मान लिया, यानी फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया 88। हमने डी निकाला, क्या आया? डी इक्वल्स टू कितना आएगा? अच्छा, तो डी समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो पहले डी कैसे आएगा, ए टू माइनस ए वन, यानी कि 4 माइनस 1 3, 3 हमारा डी आ गया। पर अब ये जो है एपी, ये रिवर्स हो गई है, रिवर्स हो गई है, ठीक है। 3 आया है, इसका मतलब क्या है? हमारी एपी क्या हो जाएगी? 88, 85, 83, 82, ठीक है। तो फिर इस तरह से हमारा डी कितना आ जाएगा? 82 ये है, A1 ये है, तो 85 माइनस 88 कितना आएगा? माइनस 3। समझ में आया? फिर से बताती हूँ, इसमें क्या था, ये वाली जब एपी हमें रिवर्स की, तो हमारा क्या आया था? डी 3। रिवर्स करते ही कितना आया? माइनस 3, यानी कि रिवर्स करने के बाद जो डी है वो माइनस का हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, मतलब डी है हमारा माइनस 3, ठीक है। अब इसमें क्या निकालनी है हमें? 12th टर्म निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे इसे?
इस 80 को मैं लिख देती हूँ 88, 85, 82, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन वाला। अब एन क्या है हमारा, 12 है, 12 निकालना है हमें, 12 टर्म निकालनी है अभी की लास्ट में से, हमने इसलिए से रिवर्स किया है, आया समझ में। इसके बाद ए 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ए 12 इज इक्वल्स टू 88 प्लस 12 माइनस 1, 12 क्यों है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या है 12, एन 12 है, माइनस 3 बी माइनस 3 प्लस 12 माइनस 1 11 माइनस 3 11 थ्री जा 33 माइनस 33 आ जाएगा, ए 12 कितना जाएगा अपना 55, यानी कि 12 टर्म जो है वो है 55। 82 ठीक है, तो फिर इस तरह से हमारा डी कितना जाएगा, ए 2 ये है, ए 1 ये है, तो 85 माइनस 88 कितना आएगा माइनस 3। समझ में आया, फिर से बताती हूँ, इसमें क्या था, ये वाली जब एपी हमने रिवर्स की तो हमारा क्या आया था डी 3, रिवर्स करते ही कितना आया माइनस 3, यानी कि रिवर्स करने के बाद जो डी है वो माइनस का हो जाएगा, इस चीज को याद रखना, मतलब डी है हमारा माइनस 3 ठीक है। अब इसमें क्या निकालनी है हमें, 12 टर्म निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे इसे, इस एपी को मैं लिख देती हूँ 88, 85, 82 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन वाला। अब एन क्या है हमारा, 12 है, 12 निकालना है हमें, 12 टर्म निकालनी है अभी की लास्ट में से, हमने इसलिए से रिवर्स किया है, आया समझ में। इसके बाद ए 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 12 इज इक्वल्स टू 88 प्लस 12 माइनस 1, 12 क्यों है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या है 12, एन 12 है, माइनस 3 बी माइनस 3 प्लस 12 माइनस 1 11 माइनस 3 11 थ्री जा 33 माइनस 33 आ जाएगा, ए 12 कितना जाएगा अपना 55, यानी कि 12 टर्म जो है वो है 55। अब ये है नाइन्थ क्वेश्चन, देर आर 60 टर्म्स इन एन एपी, यानी कि एक टर्म में मतलब एक एपी में कितनी टर्म्स है 60, यानी कि एन हो गया अपना 60 ठीक है। इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो 7 है और लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 125 ठीक है, तो हमें ए 32 यानी कि 32 टर्म निकालनी है, तो क्या करोगे, डी निकाल लोगे, इन सबको यूज करके सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से डी निकाल लेंगे सारी वैल्यूज प्लेस करके, एन पता है, ए पता है, एन पता है ठीक है, एन 60 है, ए 7 है और ए एन कितना है 125, तो डी निकल जाएगा। अब डी सॉल्व करने के बाद ए 32 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दूंगे। अब इसमें एन क्या है 32, फिर प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 7 प्लस एन जितना आया तुम्हारा, ये 32 है जो माइनस 1 इंटू डी जो आंसर में निकालोगे ना यहाँ पे वो लिखना है, फिर ये ए 32 हमारी आ जाएगी, फिर लास्ट में लिखोगे तो ए 32 टर्म इज वॉट एवर योर आंसर। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी है, एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट भी है, इसलिए इसे ध्यान से समझना और सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले कराए हैं उन्हें नोट कर लेना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब ये 10th क्वेश्चन है अपना, 4 नंबर्स आर इन एपी, यानी कि एक एपी है उसमें सिर्फ 4 नंबर है, सिर्फ 4 टर्म है, तो
वो मान लेते हैं हम ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, मतलब एक ए थ्री है उसमें सिर्फ चार नंबर्स है, फोर नंबर्स आ रहे हैं लेकिन ठीक है। अब हमें बोल रखा है कि इन चारों नंबर्स का सम जो है वो 50 है, ठीक है, इन चारों टर्म्स का सम 50 है। तो और ये भी बोला हुआ है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो फोर टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर के, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो चार गुना बड़ा है छोटे वाले नंबर के। तो फाइंड द नंबर, यानी कि हमें सारे मतलब एक तरह से एपी फाइंड करनी है, आया समझ में? तो वैसे कैसे करूँ? सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर मैंने ये ए पी मान लिया है, ठीक है, जिसमें कि हमें सम दे रखा है इनका 50, यानी कि इन चारों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50। अब क्या करेंगे हम, इन तीनों को सजेस्ट सपोज करेंगे, लेट द नंबर्स इन ए पी बी, अब मैं आगे लिखूंगी वो ध्यान से देखना इम्पॉर्टेंट है। एक काम करते हैं इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि ये नंबर हमने सजेस्ट किए ना, इसलिए लेट द नंबर्स इन ए पी बी, ये नीचे जितने चार नंबर लिखे हैं हमारे, ठीक है। अब मैं इन चारों के लिए एक एक टर्म सजेस्ट करूंगी, ठीक है। अब देखने हम टर्म्स मान लेते हैं, ए वन मान ली हमने ए माइनस ए बी, ए टू मान ली ए माइनस डी, ए थ्री ए प्लस डी, ए फोर कितनी हो गई ए प्लस डी। अभी कैसे आया, ठीक है, इसे समझना है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि हमारी फर्स्ट टर्म है ए माइनस थ्री डी, हमने ये सजेस्ट करा कि ए माइनस थ्री डी है, और हमने इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी, मैं तो डी नहीं लिखूंगी वरना डी और डी सारे देख के कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं कॉमन डिफरेंस लिखूंगी डी को। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, कितना होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमने कितना सजेस्ट किया है 2d का, यानी कि हम इसमें 2d प्लस करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें 2d प्लस करेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें 2d प्लस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। a1 मैंने मान ली a माइनस 3d, तुम कुछ और ही मान सकते हो, a माइनस 4d मान सकते हो, ठीक है, हमने कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2d का मान लिया है, यानी कि d हमने कितना मान लिया है 2d, मैं d नहीं बोलूंगी इसको कॉमन डिफरेंस बोलूंगी बाद में बार बार, क्योंकि इनमें d लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री डी, अब ए माइनस थ्री डी अब हम कैसे निकालते हैं, ए टू एक सेकेंड, डी इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन, अब हमारे पास ए वन पता है डी पता है, ए टू निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी प्लस ए टू इज ए वन इज इक्वल्स टू ए टू, ए टू निकालने के लिए ये किया हमने टू डी प्लस ए वन कितना है ए माइनस थ्री डी, ए माइनस बी आ गया, इन दोनों को सॉल्व, ए माइनस डी हमारी सेकेंड टर्म आ गई। इसी तरह से हम 3d कैसे निकालेंगे इस चीज को नोट कर लेना तुम लोग, अब ए थ्री कैसे निकालेंगे, ए थ्री इज इक्वल्स टू ए टू प्लस डी, ए थ्री इज इक्वल्स टू ए टू कितना है ए माइनस डी आ गया था, ये ए टू है ना, प्लस डी कितना है टू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है टू डी, अब फिर सॉल्व करेंगे ए प्लस डी, ए थ्री आ गया ए प्लस डी, आया समझ में। इसके बाद हम ए फोर कैसे निकालेंगे, ए फोर इज इक्वल्स टू ए थ्री प्लस डी, ए थ्री कितना है ए प्लस डी, प्लस डी कितना है हमारे पास टू डी, कॉमन डिफरेंस इसे कॉमन डिफरेंस मान लो, ठीक है, टू डी क्या आ गया ए प्लस थ्री डी, आया समझ। तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर हमने इस तरह से निकाल लिए, अब हमें क्या क्या गिवन है, हम इसे किस तरह से लिखेंगे, इट इज गिवन दैट सम ऑफ ऑल फोर टर्म्स
टर्म्स इज 50. अब हमें दिया हुआ है, गिवन है ना इस क्वेश्चन में कि सारे चारों नंबर्स का सम कितना है 50. इट इज गिवन दैट सम ऑफ ऑल फोर टर्म्स इज 50. तो इन चारों को हम प्लस करके इज इक्वल्स टू 50 लिख सकते हैं. सबको ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 50. ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर लो. a प्लस a माइनस 3d प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 प्लस. तो ये इस तरह से आ जाएगा. आगे समझ? ठीक है, अब ए कितने आ गए, 4a. ठीक है ना, अब ये वाला माइनस 3d है, ये प्लस 3d से कैंसिल हो गया. ये माइनस डी है, ये प्लस डी से कैंसिल हो गया, तो 4 इज इक्वल्स टू 50 आ गया हमारे पास. अब ए इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 4, 2 की टेबल से कैंसिल करो, 25 और 2, ए की वैल्यू आ गई अपनी 25 अपॉन 2. ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 25 अपॉन 2. इसको नोट कर लेना, मैं रेज कर रही हूँ. अब एक बार क्वेश्चन में पढ़ना, में दिया हुआ होगा कि जो लार्जेस्ट टर्म है वो स्मॉलेस्ट टर्म से 4 टाइम्स ज्यादा है. ठीक है, जो लार्जेस्ट टर्म इज 4 टाइम्स द स्मॉलर टर्म, लिखा हुआ था क्वेश्चन में. ठीक है ना, तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी तो यूज करेंगे हम. तो कैसे होगा, देखो हमारी एपी क्या थी, फिर से एपी लिख देती हूँ एक बार. a माइनस 3d, a प्लस a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये हमारी एपी थी. ठीक है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड ये, फोर्थ वो वाली टर्म. तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, ये वाली है. लार्जेस्ट कौन सी है, ये वाली है. तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्मॉलर वाली टर्म है वो उससे 4 गुना कम है, या फिर ऐसे बोल सकते जो जो लार्जेस्ट टर्म है वो स्मॉलेस्ट टर्म से 4 टाइम ज्यादा है. Go. जो बड़ी वाली टर्म है वो छोटी वाली टर्म से 4 टाइम ज्यादा है. ठीक है, तो अगर मैं इनको इक्वल करना चाहूँ, तो ये छोटी वाली टर्म है तो मैं इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हमें बोला हुआ है ना कि ये बड़ी वाली जो टर्म है कि छोटी वाली टर्म से 4 टाइम ज्यादा है. तो मैं अगर 4 का मल्टीप्लाई छोटी वाली टर्म में कर दूंगी तो ये उसके बराबर हो जाएगी. ठीक है, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं. 4a माइनस 12d इज इक्वल्स टू a प्लस 3d. 4a माइनस a माइनस 12d इज इक्वल्स टू 3d. a को इधर ले आया अपन. ठीक है, यहाँ पे 3a इज इक्वल्स टू, सॉरी 3a माइनस 12d इज इक्वल्स टू 3d. 3a is equals to 3d plus 12d. 3a is equals to कितना हो जाएगा, 15d. a is equals to 15 upon 3d. तो कितना जाएगा, 3 5 is 15, तो a is equals to 5d. ठीक है, अब हमें a की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, अभी ऊपर a की वैल्यू हमने निकाल ली थी ना 25 upon 2, जब हमारा ये आया था कुछ अपॉन 4 करके, है ना. तो ये हमारा a इज इक्वल्स टू 5 भी आ गया. अब मैं क्या करूँगी, 5 को नीचे ले जा सकती हूँ. a अपॉन 5 इज इक्वल्स टू d. अब a की वैल्यू पुट कर दो, 25 अपॉन 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू d.
तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5 5 25, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज है, एक तो ए और एक डी। डी कितनी है 5/2। अब हम इससे जो टर्म्स है वो निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लेना, मैं रेज कर रही हूँ। कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम ए और डी की वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले ये वाली है 25/2 - 3 × d कितना है 5/2। तो ये कितनी हो जाएगी 25/2 - 15/2 एलसीएम ले लो 2 25 - 15 कितना जाएगा 10/2 कितनी आ गई 5। फर्स्ट टर्म आ गई 5। इसी तरह से तुम निकाल सकते हो बाकी की टर्म्स, ये अपने आप करना। ये तीनों टर्म्स में वैल्यू पुट करके बाकी की 3 टर्म्स निकाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।